जब पापा के जन्म दिवस पर वो हम लोग के साथ नहीं है, आप सब जानते हैं। ये वही दिन होता था जब हम सब इतने धूमधाम से मनाते थे, देश भर में हम लोग मनाते थे। आप सब अपने अपने जिलों में, अपने अपने घरों में केक काटते थे, दुनिया भर से तस्वीरें आती थी कि आज हम लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया। पर आज पहली बार ऐसा है कि अपने ही जन्मदिन पर पापा हम लोगों के साथ नहीं है, पर उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ हमेशा रहेगा। और ये उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है कि आज उनके नहीं रहने के बावजूद भी हम सब और लोक जनशक्ति पार्टी बिना डर के, बिना घबराहट के हम लोग मजबूती से सच्चाई की राह पर हम लोग चल रहे हैं। पापा ने हमेशा सिखाया था कि अगर आप सच्चे हैं तो अकेले चलने से कभी डरना नहीं। मुझे याद है जब पापा हॉस्पिटल में थे तो पापा ये कहते थे, बोलते थे कि अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम्हें पता है कि तुम सच्चाई की राह पर चल रहे हो तो भले अकेले चलना पड़े, अकेले चलना और एक 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 करके देखना तुम्हारा काफिला कितना बड़ा होता रहेगा। पापा ने खुद अपना उदाहरण हमेशा दिया। पापा बोलते हैं कि मुझे लोग 79 के बाद से जानते थे, उसके बाद से लोग कहने लगे कि अरे रामविलास पासवान जी के एक आवाज़ पर लाखों कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं, उनके एक इशारे पर लाखों लोग उनके लिए जान देने को तैयार हो जाते। 6-6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। आज हम लोग जो मोबाइल फ़ोन अपने हाथ पर लेकर घूम रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन है। कोरोना काल में जब हर कोई आइसोलेशन में रहना चाह रहा था, उस वक्त सिर्फ हमारे नेता थे जिन्होंने 81 करोड़ लोगों को उनके घर तक राशन कैसे पहुँचे उसके लिए दिन रात वो काम करते रहे, बिना ये सोचे हुए कि कौन साथ कौन क्या, सिर्फ वो ईमानदारी से अपने काम पर लगे रहे। और आज उन्हीं की इन्हीं बातों से सीख लेते हुए हम लोग को भी बिना डरे हुए, बिना झुके हुए, बिना घबराए हुए, हम लोग सच्चे हैं हम जानते हैं। ये कठिन दौर ज़रूर है पार्टी के लिए भी, परिवार के लिए भी, पर जैसा मैंने कहा कि पापा ने ही सिखाया था कि संघर्ष करने से कभी डरना नहीं। पापा हमेशा कहते थे 69 से लेकर 89 तक का वो दौर, 89 के बाद से सब मुझे याद करते हैं, पर 69 से 89 का वो 20 साल का दौर जब मुझे कोई नहीं जानता था, कितना मैंने उस 20 सालों में संघर्ष किया, कई बार सही फैसले गलत फैसले, आगे बढ़ा, लोगों ने पीछे खींचा, पर ना मैं घबराया ना मैं डरा। और आज आप सबसे यही वादा मैं करता हूँ, रामविलास पासवान जी का बेटा हूँ, शेर का बेटा हूँ, जैसे पापा कभी नहीं डरे थे ऐसे ही मैं भी नहीं डरूंगा। लाख को ही हमें तोड़ने की कोशिश करें, चुकाने की कोशिश करें, जैसे पापा सच्चाई की राह पर लड़ते रहे बिना घबराए हुए, वैसे ही हम लोग भी लड़ेंगे और जीत भी हमारी होगी। आज उनके जन्मदिवस पर पापा ने अपने रहते हुए इस किताब को लिखा था। हम सब ने सोचा था कि पापा के रहते हुए ही हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और उसमें इस किताब को हम लोग रिलीज़ करेंगे, पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। आज जब पापा नहीं है, ईमानदारी से आज ही के दिन का हम लोगों ने सोचा हुआ था, पिछले जन्मदिन पे भी हम लोग सोच रहे थे, कोरोना था, लॉकडाउन था, नहीं हो पाया। हम लोगों ने सोचा था कि इस बार जन्मदिन के अवसर पर पापा की उस किताब को हम लोग निकालेंगे जिसमें उनकी शुरू से लेकर अभी तक, और ये खुद उन्होंने इस किताब को की तमाम जानकारी, पूरा ड्राफ्ट उन्होंने खुद, उन्होंने अपने साथी, अपने सहयोगी प्रदीप श्रीवास्तव जी, मैं चाहूँगा कि वो सामने एक बार आए, प्रदीप श्रीवास्तव जी आप इनको पापा का साथी बोल लें, दोस्त बोल लें, इधर आइए, सहयोगी बोल लें, दिन रात पापा के साथ बैठ बैठ कर इन्होंने इस किताब को पूरा किया। और संजोग देखिए, पापा के निधन से पापा ने कई इसके ड्राफ्ट तैयार किए, कई बार इनके पास भेजा गया, करेक्शन हुई, सारी चीज़ें हुई, और अंत में पापा ने अपने निधन से ठीक एक हफ्ता पहले
मुझे अपना वो फाइनल ड्राफ्ट दिया कि अब तुम देख लो इसको, इसको तैयार कर लिया, मुझे दिया, मम्मी को दिया, हम लोगों ने बैठ के पढ़ा। पर उस वक्त सोचा ही नहीं था कि आज वो फाइनल ड्राफ्ट इसीलिए देकर जा रहे हैं क्योंकि इसके बाद वो लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।